बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, हाय, वेलकम टू माय वेब डेवलपमेंट सेशन। दिस सेशन इज़ मेनली इन उर्दू और हिंदी लैंग्वेज, बट आई सजेस्ट यू इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एंड कंटिन्यू इन इंग्लिश, you are welcome to join and you can ask questions in English. So I'll continue the further session in Urdu or Hindi language. Ji, yahan par hum ye hamari playlist पड़ी हुई है, यहाँ पे पुरानी वीडियोस हमारी यहाँ पे ज़ाहिर हो रही हैं। तो अगर आप हमारे सेशन को शुरू से देखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को देखें, और वैसे भी अगर आप हमारे ये ज्वाइन करते हैं, गूगल मीट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और सवालात वगैरह पूछ सकते हैं। और हमारे यहाँ पे जो सेशन है, इसके हमारे कुछ हिस्से हैं, उसमें एक हिस्सा ये है कि हम एक ये कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं W3 स्कूल पर, तो उसको जो हमने आखिरी दफ़ा हमने किया था उससे हम आगे शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके लिंक्स वगैरह मैं अभी साथ में इसमें नोट करता हूँ अपने पास यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में, ताकि ये फिर दोबारा मैं डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दूँगा। तो आप डायरेक्ट इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो ये एक्सेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे W3 schools.com पर ये सेशन चला रहे हैं। जो बेसिक कोर्स है ना, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, और बाकी जो मुझे चीज़ें कुछ प्रोफेशनल जो पता है वो साथ साथ में बताता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम HTML CSS तक कर चुके थे, जो आखिरी दफ़ा हमने पिछले सैटरडे को हफ्ते वाले दिन 3 से 6 पाकिस्तान टाइम, इसमें हम ये सेशन करते हैं जो कि GMT+5 टाइम जोन में आता है। तो यहाँ तक हम कर चुके थे, तो इससे आगे हम फिर शुरू करते हैं। तो दूसरा हमारा इसमें हिस्सा होता है सवाल जवाब का, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। वो हमें गूगल मीट पर कोई भी आप में से शामिल हो के सवालात पूछ सकते हैं, वेब डेवलपमेंट से हवाले से भी या किसी भी हवाले से सवाल पूछ सकते हैं। अगर वेब डेवलपमेंट के मुतल्लिका होंगे तो फिर हमारी कोशिश होगी कि उसको यहीं पे हम उसका जवाब अगर मुझे मालूम है तो दे दूं, अगर जवाब मालूम नहीं है तो फिर उसी वक्त उसको हम ढूंढेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वेब डेवलपमेंट इससे हट के कोई सवाल है तो मुमकिन है आपको अभी जवाब दिया जाए या फिर कोई और टाइम दिया जाए या उसका कोई हल बताया जाए। तो इसके अलावा जो हमारा तीसरा हिस्सा है, उसमें हम ये है कि मुख्तलिफ चीज़ें, नई चीज़ें वो हम देखते हैं जो वेब डेवलपमेंट से मुतल्लिक़ हैं या नहीं भी हैं, जनरली कोई भी चीज़ जो कि मुफीद है। क्योंकि हमारा तकरीबन ये 3 घंटे का सेशन होता है,
और इसमें एक छोटी सी ब्रेक भी होती है। तो यहाँ पर हम अभी HTML लिंक्स का टैग जो है इसको हम देखेंगे। तो वेब पेजेस एक मुफीद तभी पेज हमारा बनता है, सफ़ा बनता है कि आपस में जो सफ़ात हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो हाइपरलिंक के हम पहले भी इधर किधर पढ़ चुके हैं, एंकर टैग, और इसमें एक एट्रीब्यूट href का होता है और हम ये कोटेशन के अंदर इसकी वैल्यू देते हैं। तो ये पैटर्न सेंटिक्स वही है जो हम यहाँ पहले से करते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ और इस हिस्से पे आता हूँ। एक इसका एट्रीब्यूट ये हाइपर रेफरेंस का है। इसके अलावा एट्रीब्यूट एक टारगेट के नाम से है। वैसे आप एक आम लिंक बनाते हैं तो इसको क्लिक करें तो ये उसी पेज पे ओपन हो जाता है, लेकिन अगर आप उससे हटके कुछ चीज़ें करना चाहते हैं तो वो हम अभी पढ़ते हैं। और ये आप चीज़ कुछ नोट शायद आपने की हो कि कुछ लिंक्स होते हैं उनका कलर नीला होता है, और जब आप उस लिंक को ओपन कर चुके होते हैं तो फिर उसका रंग तब्दील हो जाता है, और जिस वक्त आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो उस वक्त उसका रंग सुर्ख हो जाता है। वो वक्ती तौर पे होता है, बिल्कुल मिली सेकेंड शायद। तो टारगेट जो एट्रीब्यूट है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये सेल्फ वैल्यू होती है इसकी। तो इसको हम बारी बारी करके देखते हैं। तो जो हम वेब डेवलपमेंट में प्रोफेशनली मैं इस्तेमाल करता हूँ वो इसके साथ तो बहुत ज़्यादा सामना पड़ता है कि आप चाहते हैं कि सफ़ा जो है, नया जो लिंक है वो आपके नई टैब में ओपन हो। तो बाकी ये और भी चीज़ें हैं, हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्लिक किया था तो ये इसी जगह पे ही लिंक खुल गया था। तो अब यहाँ पे क्योंकि टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक हमने इस्तेमाल किया है तो इसको क्लिक करेंगे तो ये एक नई टैब में लिंक खुल रहा है। तो ये आम अमूमी तरीका है। अगर आपका कोई इंटरनल लिंक है, यानी आपकी वेबसाइट के अंदर ही किसी सफ़े का बत है, लिंक है, तो फिर हम उसको आमतौर पे नॉर्मली ओपन करते हैं, नई टैब में नहीं खोलते। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल लिंक है तो उसको अमूमन हम नई टैब में खोलते हैं कि हमारा जो मेन सफ़ा है वो खुला रहे। तो पाथ के हवाले से शायद हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक एब्सोल्यूट पाथ होता है और एक रिलेटिव पाथ होता है। तो URL भी इसी तरह है। तो हम इसको देखते हैं। अब जैसे ये वाले जो लिंक URLs हैं ये एब्सोल्यूट पाथ हैं। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब ये है कि फुल शुरू से लेके आखिर तक पाथ दिया जाए तो ये एब्सोल्यूट पाथ होता है। और रिलेटिव ये होता है कि जिस जगह पे आपकी ये वाली फाइल पड़ी हुई है उसके रेफरेंस से आप पाथ दें या URL दें। जैसे यहाँ पे ये इसका लिंक दिया है तो ये इसी फोल्डर के अंदर, जो HTML का फोल्डर है, ये सर्वर है और उसके अंदर HTML का फोल्डर है और वहाँ पे ये पड़ा हुआ है। और जैसे ये CSS ट्यूटोरियल है, यहाँ पे ये रूट के ऊपर CSS का फोल्डर है और उसके अंदर ये फिर आप कंटिन्यू करें। तो ये दोनों रिलेटिव पाथ हैं।
तो हाइपरलिंक जो है वो आप सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर ही नहीं बना सकते, बल्कि आप जो ये वाला हमारा टैग है इसके बीच में कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे तस्वीर के ऊपर इन्होंने लिंक बनाया है, और ये एक डिफ़ॉल्ट एक यूआरएल कुछ हमारे पास हैं। जैसे आपका जो क्लाइंट पे ईमेल प्रोग्राम है उसको ये एक्टिवेट कर देता है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे कंप्यूटर के ऊपर ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है ये खुल जाएगा। वैसे आजकल बिजनेस में तो ये ईमेल क्लाइंट्स जो सॉफ्टवेयर है ये इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा लोग अब इस्तेमाल कर रहे हैं वो वेब बेस्ड जो ईमेल सॉफ्टवेयर हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जीमेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो हम उसमें gmail.com खोलते हैं। वरना जो बिजनेसेस हैं या और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स हैं, वो उनके अपने सॉफ्टवेयर रन हो रहे होते हैं और ईमेल क्लाइंट जो है वो इस्तेमाल करके उनको लिंक किया जाता है। तो फिर आप उनको ऑफलाइन भी, अगर आपके डाटा आपने सिंक्रोनाइज़ किया हुआ है तो ऑफलाइन भी चीज़ों को देख सकते हैं, जबकि जो वेब बेस्ड हैं उनमें तो आपका इंटरनेट हर वक्त होना ज़रूरी है। तो जैसे ऊपर भी हमने बताया है, नहीं ये उसके हट के है कि आप बटन्स या लिंक्स बनाते हैं या बटन्स बनाते हैं, क्योंकि आपने या नेक्स्ट पेज पे जाना होता है या इनपुट जो है उसको प्रोसेस करना होता है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ हमने वैसे गालबन पढ़ी हुई नहीं है अभी, कि एक हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं और एक हमारे पास इवेंट्स होते हैं। तो बज़ाहिर इसका सेंटेक्स जो है मिलता जुलता है, लेकिन ये डिफाइन होते हैं। तो जैसे ऑन क्लिक ये एक इवेंट है, और यहाँ पे फिर हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको लोकेशन चेंज कर दी है और इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट उसका जो पेज है उस पर कंट्रोल मूव हो जाएगा। टाइटल का एट्रीब्यूट जो है ये काफ़ी मुफीद है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ऐसे हम जब एरो ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमें नज़र आएगा। बाज़ जगह पे ये उस ख़ास तौर पे फ़ायदा देता है कि जहाँ पे जगह थोड़ी हो तो फिर हम एरो उसके ऊपर लेके जाएं तो ये हमें टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है नज़र आती है। ये हम इसके अलावा और भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं टैग्स के अंदर, जैसे कि डिव का टैग है या किसी भी इमेज है, ये ग्लोबल जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें आता है। तो अभी हम ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ के बारे में बात कर चुके हैं। तो इसमें हमने एंकर टैग के बारे में पढ़ा है, एचरेफ ये हम पहले से जानते हैं। इसमें हमने जो नई चीज़ सीखी है वो टारगेट एट्रीब्यूट है, और इमेजेस के ऊपर भी हम एंकर टैग लगा सकते हैं, मेल टू का इस्तेमाल है। तो यहाँ पे मैं समझ रहा था कि यहाँ पे ये जो टारगेट है इसके बारे में मज़ीद एग्जांपल्स होंगी, लेकिन है मज़ीद एग्जांपल्स नहीं हैं। तो जैसे कि हम ये इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ब्लैंक के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो अभी वैसे ये फ्रेम्स का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेम्स होते हैं और आप सिर्फ उसी फ्रेम को लोड करना चाहते हैं, तो फिर हम बजाय इसके कि ये पूरे डॉक्यूमेंट नया खुले, ये सिर्फ उसी फ्रेम में लोड होगा। जैसे कि ये एग्जांपल थी यहाँ पे, वैसे अगर हम ये नॉर्मल सफ़ा खोलेंगे और इसको क्लिक करते हैं तो ये इस पूरे पेज को दोबारा से ओपन करता है, लेकिन ये यहीं पे इसको खोल रहा है। तो यहाँ पे ये इन्होंने गालबन फ्रेम इधर बनाया होगा और ये इसमें इसीलिए ये सिर्फ इसी फ्रेम में खुल रहा है।
देखिए यहाँ पे ये फ्रेम का इस्तेमाल हो रहा है, आई फ्रेम, इनलाइन फ्रेम। तो आप अगर चाहते हैं कि किसी एक उसी फ्रेम में ये खुले तो ऐसे हम कर सकते हैं। इसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। ये शायद ऐसे ही है जैसे कि डिफ़ॉल्ट है, शायद इसमें कुछ हो मुख्तलिफ, मेरे अभी ज़हन में नहीं आ रहा। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट। कलर्स और बैकग्राउंड हम पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, तो मज़ीद देखते हैं। ये चीज़ हम देख चुके हैं पहले ही। तो इस एग्जांपल में कुछ चीज़ें नई हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये शूडो एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं CSS के सिलेक्टर्स के लिए। तो जैसे अपने ये इसी सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, ए लिंक, ए विजिटेड, ए हॉवर, ए एक्टिव। तो जो ज़्यादा हमारे इस्तेमाल होते हैं ये हॉवर का होता है कि जब आप लिंक के ऊपर कंट्रोल लेके जाएंगे, माउस का एरो लेके जाएंगे तो इसका रंग देखें, रेड दिया हुआ है तो ये रेड हो रहा है। तो अगर हम इसको कोई और रंग देना चाहेंगे तो कोई और भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। और ये इसका डिफ़ॉल्ट कलर जो नज़र आ रहा है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन की प्रॉपर्टी लिखने से अंडरलाइन ख़त्म हो जाती है, जैसे कि हम ये देख सकते हैं। और यहाँ पे हॉवर पे इन्होंने मेंशन किया है कि अंडरलाइन आए, तो वैसे तो ये अंडरलाइन नज़र आ रहा होता है, उसकी वजह से हमें पता लगता है कि ये लिंक है, अच्छा है। लेकिन आजकल अक्सर जो साइट्स हैं वो इसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन ही करते हैं, लेकिन फिर उसमें वो लोग ये करते हैं कि किसी और तरीके से लिंक्स को वाज़ह करते हैं, जैसे कि रंग कोई मखसूस इस्तेमाल करते हैं, पूरी वेबसाइट में वही उस पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो यूज़र्स को मसला नहीं होता, उनको पता होता है कि ये लिंक ही है, इस पर क्लिक करना है। एक्टिव का जैसे कि ये हमें गलबन इस पर हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन हमें अभी ये विजिबल हुआ है कि उस टाइम पे जिस पे हम क्लिक कर रहे होते हैं उस वक्त ये इसका कलर येलो हो गया था एक्टिव, और विजिटेड पे इसका कलर पिंक कर दिया। लेकिन ये खैर इतना अच्छा कलर नहीं है यहाँ पे, इसके हिसाब से कि बहुत डिम सा हो गया है नज़र, लेकिन आना चाहिए। अब यहाँ पर लिंक तो है, लेकिन लिंक को इस तरह CSS लगाई है कि ये लग रहा है कि जैसे एक बटन है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कामा लगा के दो सेलेक्टर्स दे दिए हैं, यानी ए लिंक पे और ए विजिटेड दोनों के लिए ये कोड जो हमने लिखा है CSS का, दोनों के लिए, दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। इस तरह हम दे सकते, और इन दोनों के लिए हावर और एक्टिव के लिए इन्होंने ये दे दिया है। जैसे ये हम एक्टिव पे आ रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर रेड हो रहा है और पहले उससे हल्का रेड सा है। टेक्स्ट कलर वाइट किया है, पैडिंग दी है, टॉप बॉटम 15 और राइट लेफ्ट 25। तो जब ये एक वैल्यू दी जाए तो उसका मतलब तो है कि सब तरफ से पैडिंग बराबर,
अगर दो दी जाएँ तो इसका पहली का मतलब होता है टॉप और बॉटम, और दूसरी का मतलब होता है राइट और लेफ्ट। इसमें तीन वैल्यूज़ भी आ सकती हैं इसी तरह यहाँ पे स्पेस दे के, और चार भी हो सकती हैं। तीन हो तो पहली वैल्यू टॉप होगी, दूसरी वैल्यू राइट लेफ्ट होगी, और तीसरी होगी बॉटम। चार होंगी तो वो फिर आप टॉप से कर लें, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट इस तरह। टेक्स्ट डेकोरेशन नन की है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये आजकल ये आम ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है। और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया है, इसको मैं हटा के देखता हूँ। तो थोड़ा सा इससे फ़र्क आ रहा है। वैसे नॉर्मली हम इसमें दो वैल्यूज इस्तेमाल करते हैं, एक इनलाइन और एक ब्लॉक। तो हमारे जो टैग्स हैं वो भी दो टाइप्स के ही हैं। कुछ ब्लॉक लेवल टैग्स हैं, जैसे डिव है, हेडिंग्स हैं, और दूसरे हमारे पास इनलाइन टैग्स हैं। तो इनलाइन में इमेज आ जाता है, एंकर आ जाता है, पैराग्राफ जो है वो भी ब्लॉक लेवल टैग है। बाकी हम ये चीज़ कर चुके हैं कि यहाँ पे अगर आप एरो लेके जाएं तो ये इसके रेफरेंस बता रहा है। अगर आप और मज़ीद इसमें तफसील से इसकी सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप इसको खोल सकते हैं। तो अमूमी तौर पे हम ये करते हैं कि बेसिक्स यहाँ से सीखते हैं, और रेफरेंस वगैरह पे तब हम जाते हैं कि जब हम काम कर रहे होते हैं और एक चीज़ के बारे में हमें यकीन नहीं होता कि ये इसमें मिसाल के तौर पे टारगेट का एट्रीब्यूट है या नहीं है, या उसमें क्या वैल्यू है, तो फिर इसके हम रेफरेंस को ओपन करके फिर उसमें तफसील देख लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम इसको नई टैब में खोल लेते हैं, तो यहाँ पे ब्राउज़र सपोर्ट के बारे में भी बताई जा रहा है। अब ये एट्रीब्यूट इसमें पॉसिबल हैं, सारे तो कम ही मुश्किल ही है इस्तेमाल हो, लेकिन कुछ जो हैं एट्रीब्यूट वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये टारगेट का एट्रीब्यूट है, एच रेफ तो ज़रूर इस्तेमाल होता है। और जैसे मैं बता रहा था कि कुछ एट्रीब्यूट्स आपके ग्लोबल होते हैं, जैसे कि एक टाइटल का मैंने एट्रीब्यूट के बताया, और कुछ जो इवेंट्स हैं वो होते हैं, ये भी हम देख लेते हैं एक नज़र। बाकी एग्जांपल्स हैं, और रेफरेंस में फिर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी है, लैंग्वेज है, स्टाइल है, टाइटल है, इस तरह इवेंट्स हैं। ऑन क्लिक अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये विंडोज़ की इवेंट है, ये फॉर्म की इवेंट है, और ऑन क्लिक यहाँ पे है। तो अभी हम देखते हैं कि हम किसी पेज के ऊपर अगर हम चाहते हैं कि सेंटर तक हमारा कंट्रोल चला जाए और उसको हम बुकमार्क करना चाहते हैं किसी एक हिस्से पे, तो उसको हम देखते हैं किस तरह हम कर सकते हैं। इसमें हम एक तो ये कि आईडी का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने C4 आईडी दे दी है। तो ऊपर आप देखें तो हमें सिर्फ ये चैनल साइन डालना है और उस आईडी की वैल्यू डालनी है। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वहीं पे कंट्रोल मूव कर देगा, और इस पे किया है तो वो चैप्टर 10 पे कंट्रोल चला गया। इसी तरह फिर हम यहाँ पे बैक टू टॉप का भी आमतौर पे बटन बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम चैप्टर 1
यहाँ पे इसको आईडी दे दें हम मिसाल के तौर पे, टॉप के नाम आईडी दे दिए। तो यहाँ पे हम फिर एक छोटा सा लिंक बना लेते होते हैं। अब ये टैग छोटा सा टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसको भी हम एंकर बनाते हैं। ये इसका क्लोज हो गया और इसमें ऐसे ही एट्रीब्यूट एच आर ई एफ में फिर हमने टॉप दे देना है। इसको फिर मैं चैप्टर 10 जो है इसके बाद भी दे देता हूँ सेम कोड, और पेज के आखिर में भी दे देता हूँ। तो ऐसे हम आमतौर पे करते हैं, जैसे ही चैप्टर पे गए बैक टू टॉप, इस पे गए बैक टू टॉप, या वैसे कोई स्क्रॉल करके पेज के नीचे आया तो वैसे वो स्क्रॉल अप भी कर सकता है, लेकिन इस तरह फिर ज़्यादा आसान है कि वो बैक टू टॉप पे क्लिक करे। अक्सर वेबसाइट के राइट साइड पे परमानेंट भी लिखा हुआ आ जाता है, उस पर क्लिक करें तो वो भी आपको वापस बैक टू टॉप ले जाता है। जैसे अब ये लिंक बना हुआ है इसमें वो तो भी हमारी चेंजेस ख़त्म हो गई हैं, लेकिन इसमें ये भी एक फ़ायदा है कि आप पूरे पेज का लिंक बना सकते हैं और उसके आखिर में यहाँ पे आईडीज़ अगर बनी हुई हैं तो आप ऐसे मखसूस जगह पे भी आप लोड कर सकते हैं। यहाँ पे तो खैर अभी ऐसे नहीं हुआ हुआ, अगर हम इसको अलग से अपने डेस्कटॉप पे फाइल एक बना लें तो फिर इसको हम देख लेते हैं। सागर टेस्ट डॉट एच टी एम एल के नाम से एक हम बना देते हैं फाइल, और इसको हम कोड सेव कर लिया है, क्योंकि ये अब चीज़ वहाँ पे W3 स्कूल में इतनी आसानी से नहीं हो सकती, तो इसलिए हम इसको अलग से कर रहे हैं। ओपन जैसे ये चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि अब वैसे आप बुकमार्क अगर आप करते तो ये इस पेज की बुकमार्क होती है, वो पेज ओपन हो जाता, लेकिन आपने साथ में आईडी मेंशन की है तो ये उसी जगह पे स्क्रॉल करके ओपन कर देगा। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ जी। नेक्स्ट आगे जाते हैं, आईडी के एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा है और एचआरएफ तो ऐसे भी हम पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम ये इसमें चैनल साइन और आईडी आगे दे सकते हैं। यूज़ द करेक्ट एक्सरसाइजेज बीच में आती हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, गलत हो तब भी इसमें कम से कम ये है कि आप जो गो थ्रू कर रहे हैं उसमें आपको पता लग जाता है कि कितना आप अच्छा कर रहे हैं या कितने आपको समझ आई है। यूज़ द करेक्ट एच डी एम एल टू मेक द टेक्स बिलो इन टू अ लिंक टू डिफॉल्ट डॉट एच डी एम एल। तो यहाँ पे हम दो बॉक्सेस हैं यहाँ पे, तो एंकर टैग हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये दो बॉक्सेस क्यों बनाए हैं उन्होंने। यूज़ द करेक्ट एच टी एम एल टू मेक टेक्स बिलो इन टू ए लिंक, ये दो बॉक्सेस की मुझे समझ नहीं आई। वैसे तो हम ये एंकर टैग हम लगाते, चले मैं देखता हूँ शायद गलती होगा फिर, क्योंकि यहाँ पे और इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, समझ नहीं आ रही। रेफ और पेज उन्होंने बता दी है डी एफ एच यू
HTML. तो देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गलती होगा, लेकिन ठीक है. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि ये दो बॉक्सेस क्यों हैं. तो नेक्स्ट हम जाते हैं इमेजेस के टैग, हम इस्तेमाल कर भी चुके हैं. सेम इसका पैटर्न है, एक सोर्स है जहाँ पे हम इमेज का पाथ देते हैं और दूसरा अल्टरनेट का टेक्स्ट हम इस्तेमाल करते हैं. ये एसईओ के लिए ख़ास तौर पे अच्छा है, या इमेज अगर किसी वजह से हट जाती है या नहीं नज़र आती तो ये टेक्स्ट नज़र आ जाएगा. तो एसईओ को भी, जो सर्च इंजन है, उनको पता लगता है कि ये इमेज किस चीज़ के मुतलिक है इस अल्टरनेटिव टेक्स्ट की वजह से. इसको हम स्किप करते हैं, स्किप स्किप. इसको भी स्किप करते हैं. सोर्स में उसका पाथ देना होता है इमेज का, और इमेज का नाम होता है. पाथ एब्सोल्यूट भी हो सकता है और रिलेटिव भी हो सकता है. स्किप. स्क्रीन रीडर्स के भी इसमें फ़ायदा हो सकता है. विड्थ और हाइट हम मेंशन कर सकते हैं. स्टाइल का हम एट्रीब्यूट पढ़ चुके हैं. विड्थ प्रॉपर्टी का नाम, कॉलन वैल्यू, फिर सेमी कॉलन. ये एक पूरी सेट बन गया इस तरह. फिर अगली नेक्स्ट वैल्यू. CSS के यही पैटर्न है. बाकी आप विड्थ और हाइट के एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि जो डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा CSS में की जाएं. बल्कि यहाँ पे ये मेंशन भी इन्होंने कर दिया है कि ये वैलिड हैं किस स्टाइल जो है CSS इस्तेमाल करने ही रिकमेंडेड है. और जो सोर्स है इसमें भी पाथ जो है दोनों तरह से हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है और एब्सोल्यूट भी हो सकता है. अब जैसे कि ये एक रिलेटिव पाथ है, एब्सोल्यूट पाथ होता तो उसमें फिर आपका पूरा URL होता है HTTP:// वेबसाइट का नाम, फिर फोल्डर और सब इस तरह. यहाँ से ये रूट से पाथ दिया हुआ है तो ये रिलेटिव पाथ है. और अगर कोई और सर्वर है तो फिर उस सर्वर का भी नाम साथ वेबसाइट का भी नाम देना चाहिए. एब्सोल्यूट पाथ हो जाता है. इमेजेस हैं हमारे पास, स्टैटिक इमेजेस भी हैं सिंपल, और जिफ इमेजेस भी हैं जो एनिमेटेड एनिमेशन उसमें शामिल होती है. ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इमेज को एज अ लिंक ये हम पहले देख चुके हैं. इमेज ये हमारे पास इनलाइन टैग है. तो फ्लोटिंग के बारे में हम खैर CSS में पढ़ेंगे. इसमें हमारे पास फ्लोट राइट कर सकते हैं, फ्लोट लेफ्ट कर सकते हैं, फ्लोट सेंटर वगैरह नहीं होता.
इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। बैरल आपको देख के भी पता लग रहा है कि फ्लोट राइट और फ्लोट लेफ्ट क्या कर रहा है। नॉर्मल फ्लो से उसको वो निकाल देता है। इमेज फॉर्मेट्स, हम जे पेक का ज़्यादा पता है, आजकल PNG ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, जिफ भी होती है, बाकी कम इस्तेमाल होती हैं। इमेज के टैग, इसमें सोर्स होता है, अल्टरनेटिव होता है विड्थ हाइट और स्टाइल, बेर स्टाइल हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। फ्लोट प्रॉपर्टी से राइट या लेफ्ट टेक्स्ट के हम लेके जा सकते हैं। यूज़ द HTML इमेज एट्रीब्यूट टू सेट द साइज ऑफ इमेज टू 250 पिक्सल वाइड एंड 400 पिक्सल टॉल, यानी हाइट और विड्थ मेंशन की है। तो ये आपकी आ जाएगी वाइड, तो ये विड्थ आ जाएगी और हाइट आ जाएगी। करेक्ट। नेक्स्ट हम जाते हैं इमेज मैप। अगर आप एक इमेज के अंदर ही मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इमेज मैप इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह हम लिंक्स बना लेते हैं इमेज के अंदर ही। ये यहाँ पे अगर आप नीचे यहाँ पे आप देखें तो ये आपको लिंक्स नज़र आ रहे हैं, तो ये आपका कंट्रोल जब यहाँ पे आएगा तो एक लिंक आ रहा है मोबाइल के ऊपर, दूसरा आ रहा है और इसके ऊपर तीसरा लिंक आ रहा है। तो ऐसे ही इस्तेमाल मेरे ख्याल है कम ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको पता फिर होना चाहिए। इसका नेम है और ये नेम यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है यूज मैप के एट्रीब्यूट में, और इसमें हमने एरियाज डिफाइन किए हुए हैं। शेप रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये सर्कुलर है जो कि यहाँ पे भी सर्कुलर है, तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, यानी कि जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्स वाई की वैल्यू और फिर यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू, ये भी सेम इसी तरह कोऑर्डिनेट्स हैं। और इसमें गालबन सेंटर होगा और साथ में एक्स वाई की वैल्यू ये सेंटर की होंगी और ये उसका रेडियस होगा। इसको हम क्लोज करते हैं। जी यहाँ पे हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइप्स हैं, रेक्टेंगुलर में पहले स्टार्ट पॉइंट के एक्स वाई हैं और फिर सेकंड एंड पॉइंट के। सेंटर ऑफ द, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे इन्होंने पहले इसका सेंटर लोकेट किया है, उसके एक्स वाई की वैल्यू दी है और रेडियस यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये आप
वैल्यूज़ किस तरह निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स की, तो ये आप कोई इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर खोलें तो एरो आप लेके जाएंगे तो एक्स वाई की वो वैल्यूज़ आपको पता लग जाती हैं। अब ये यहाँ पे शेप पॉली को ट्राई किया है और इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई होंगे। जावास्क्रिप्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर इस्तेमाल किया है। ऑन क्लिक में अपना फंक्शन लिखा है और इस फंक्शन में कोड है अलर्ट। तो जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो आपको ये स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट क्लोज का टैग आपको लिखना होगा। इसको हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट को भी इंशाल्लाह ताला बाद में। पहले हम HTML, फिर CSS, फिर JavaScript और फिर PHP, ये हमारा पाथ है। हमने तकरीबन इस तरह करना है, फिर हम और चीज़ें भी फिर देखेंगे वक्त के साथ साथ क्या चीज़ें करनी चाहिए। बहरहाल ये मैप यूज़ मैप ये कम कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू भी होना तो काफ़ी है कि बिलफर्ज अब आपको ये इसकी फंक्शनैलिटी पता लग गई है तो आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है। तो इसमें फिर मैं भी आपको ये सजेस्ट करता हूँ, इसको आप सरसरी देख लें, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कैसे हो रहा है काम। फिर ये कि अगर आपको इन फ्यूचर किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे आके आप ये डिटेल में ये रेफरेंस चेक कर लें, क्योंकि हर चीज़ आप मेमोराइज़ भी नहीं कर सकते, याद नहीं रख सकते, इसलिए आप इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कम इस्तेमाल होती हैं उनका सिर्फ ओवरव्यू जहन में रखें। जो चीज़ें साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं या मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ तो उन चीज़ों पे आप ज़्यादा अपना तवज्जो रखें। तो मुझे नहीं पता है कि अब स्क्रीन कैसे करेगी, मैं साथ मॉनिटर अटैच कर रहा हूँ। मिनट चेक भी कर लूँ, रिकॉर्डिंग तो मुतासर नहीं होगी। शायद हुई है, मैं एक मिनट इसको देखता हूँ अपने पास। जी अच्छा हुआ है मैंने इसको एक नज़र देख लिया है, ये तो ठीक लग रही है। लेकिन यहाँ पे ये डिस्प्ले ख़त्म हो गया है, इसको मैं ख़त्म करके दोबारा शुरू करता हूँ तो शायद ये हो जाएगा। एंटायर स्क्रीन खैर, इसको भी हम डिसेबल भी रख सकते हैं क्योंकि किसी ने ज्वाइन तो अभी किया नहीं है, बिला वजह है ये। क्यों भी इसकी बंद कर देते हैं, अगर कोई ज्वाइन करेगा तो फिर मैं एक्सक्यूज़ मी,
तो फिर इसको हम ऑन कर लेंगे। अभी व्यू मेरे पास तो बेहतर आ रहा है, यहाँ पे मैं इसको रीचेक करना चाहता हूँ कि ये गड़बड़ ना कर रहा हो। ऐसे इतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया और इसकी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की बैकग्राउंड डैश इमेज, और फिर आगे हमने यूआरएल का फंक्शन इस्तेमाल किया और इसका रिलेटिव पाथ दे दिया, यानी इसी फोल्डर, इसी जो फाइल है इसी फोल्डर के अंदर ये इमेज फाइल पड़ी हुई है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमने डिव का बैकग्राउंड दिया है और यहाँ पे हमने पैराग्राफ को बैकग्राउंड दिया है, और इस पैराग्राफ का कोई बैकग्राउंड नहीं है, यहाँ पे ये है। और इस इमेज को अगर हमने देखना है तो हम, क्योंकि यहाँ पे हमें इससे पता लग रहा है कि ये रिलेटिव पाथ है, तो यहाँ पे इसको होना चाहिए इस फोल्डर के अंदर ही। तो इसके इमेज को देखते हैं, मेरे ख्याल में ये छोटी इमेज है और वो रिपीट हो रही है। ये इसको लिखा और साथ में अब इमेज का नाम कॉपी कर लिया। सही है, ये इमेज असल में ऐसे है और यहाँ पे ये रिपीट हो रही है क्योंकि जगह ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा जगह होगी उतनी दफ़ा वो रिपीट होगी, कम जगह होगी तो वो कम दफ़ा आएगी। तो यहाँ पे इन्होंने जानबूझ के BR इस्तेमाल किए हैं ताकि वो इमेज नज़र आए थोड़ी सी ज़्यादा, वरना इसको अगर हम निकाल दें तो ये काफ़ी कम हो जाएगी। जी, उसमें अब बैकग्राउंड तो आ रहा है लेकिन ये दिखाना चाह रहे थे कि पिक्चर है कुछ, तो ये हमारे पास बैकग्राउंड हम दे सकते हैं। पूरे पेज के लिए अगर बैकग्राउंड देना है तो फिर आप बॉडी पे दे देते हैं। तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि ये हमारे पास विड्थ अगर ज़्यादा होगी तो ये इस तरह रिपीट करेगी, और अगर हाइट ज़्यादा होगी तो ये फिर इस तरह रिपीट करेगी। वहाँ पे तो ये पहले वो उसकी अपनी एलिमेंट की हाइट ही कम थी तो वो हमें सिर्फ यहाँ तक हिस्सा नज़र आ रहा था। तो अभी क्योंकि हमने पूरे पेज लेवल पे इसको लगाया है तो हमें ये ऐसे भी एक्स में भी यहाँ पे भी रिपीट कर रही है और वाई एक्सेस पे भी रिपीट कर रही है। तो इसकी हम रिपीटिशन हम ख़त्म भी कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। तो एक प्रॉपर्टी ये है नो रिपीट, तो इसने रिपीट नहीं किया, और इसी को अगर हम ख़त्म कर दें, कमेंट में इसको बना रहा हूँ, तो हमें ये रिपीट नज़र आना शुरू हो जाएगा। और ये जो ये कोई और इमेज है इसका, क्योंकि साइज़ ही छोटा है, बल्कि हम इसको चेक भी कर लेते हैं। आप इस तरह चीज़ें जो कुछ समझ नहीं आ रही हों वो खुद एक्सप्लोर किया करें। अभी उसमें एक मैंने बीच में ख़त्म भी करना है, करेक्टर एक फालतू आ रहा है, ये ध्यान रखना होगा। तो ये छोटी ही इमेज है, तो इसमें मैं देखता हूँ रिपीट एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का बताया है कि नहीं। एक्स और वाई एक्सेस का नहीं बताया, तो चले मैं ट्राई करता हूँ।
मैं ट्राई करता हूँ बैकग्राउंड। रिपीट एक्स, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। और बैकग्राउंड रिपीट वाई को नो कर देता हूँ। तो इसको यहाँ पे बस एक ये छोटे से प्रॉपर्टी में फ़र्क आ जाता है एक्स और वाई, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे नो रिपीट कर देता हूँ और इसको रिपीट कर देता हूँ, तो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, यहाँ पे फुल पेज के बैकग्राउंड दिया है, उसको मैं एक और चीज़ इसमें टेक्स्ट और इस तरह डाल के देखता हूँ कि ये स्क्रॉल में भी आना चाहिए। तो देखते हैं, तो सही है, ये स्क्रॉल में भी आ रही है। सही, तो इसका बैकग्राउंड साइज हमने कवर दिया है और अटैचमेंट फिक्स दी है। यहाँ पे हमने साइज प्रॉपर्टी को कवर दिया है और अटैचमेंट को फिक्स दिया है ताकि स्क्रॉल वगैरह भी करें तो ये वहीं पे नज़र आए हमें। और साइज यहाँ पे हमने इसका साइज चेंज किया है, इसमें फिर यह कि इमेजेस आपको बड़े साइज़ की इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि फिर नज़र सही आ सके। तो अभी दोनों को इसको हम अगर 50 कर देते हैं तो, और इसको भी 50 कर देंगे तो बिल्कुल वो उसके आधे हाइट में भी आधे पे आएगी। तो इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। वैसे साइज बाय डिफॉल्ट कवर इस्तेमाल कर रहे थे कि फुल पेज को अगर कवर करना चाहिए। तो आगे हम जाते हैं पिक्चर टैग। इसमें एक से ज़्यादा सोर्सेज मेंशन कर सकते हैं। इसमें कहते हैं कि इमेज का टैग भी लाजमी इस्तेमाल करें कि अगर ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता तो एटलीस्ट इमेज नज़र आए।
तो यहाँ पे देखें कि हमें यहाँ पे मीडिया की हमने एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया सोर्स में, तो अगर विड्थ इतनी होगी मिनिमम विड्थ, तो ये पे दूसरी इमेज इसने लोड कर ली है, यानी मोबाइल पे आप व्यू कर रहे हैं तो ये वाली इमेज आ जाएगी। और वैसे नॉर्मली ये वाली आ रही होगी। फ़ायदा तो इसका यही है कि आपके पास ब्राउज़र पे कोई ब्राउज़ कर रहा है पेज, तो वहाँ पे आपको बड़ी उसके रेजोल्यूशन में दिखाएं, और मोबाइल पे कर रहा है तो उसको छोटी रेजोल्यूशन में दिखाएं। बहरहाल ये चीज़ें अभी हम और तरीके से हैंडल करते हैं, जैसे कि CSS में मीडिया क्यूरीज होती हैं उसको इस्तेमाल करके वहीं पे ही हम चेंज कर लेते हैं, बजाय इसके कि यहाँ पे टैग्स में दे के। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट टेबल्स पे, और अगर हम डिफ़ॉल्ट टेबल देखें तो वो और तरह से आते हैं नज़र। इसको मैं अगर ख़त्म कर दूँ स्टाइल, तो ये इस तरह से आएगा। अभी स्टाइल की वजह से ये है कि वो उसकी विड्थ कम से कम ज़्यादा हो गई है, 100% कर दी है। और भी गलबन इसमें कुछ चीज़ बॉर्डर, वैसे मेरे ख्याल में बॉर्डर भी होता है। इसको चेक करने का अच्छा तरीका ये है कि एक फाइल में मैं इसको एडिट करूं, फिर इसको डिस्प्ले करूं। ओपन। अच्छा, मेरा अंदाजा गलत था। बहरहाल डाउट हो तो आपको चीजें अपनी क्लियर करनी चाहिए। अच्छा, अभी बॉर्डर आ रहा है। बॉर्डर बॉर्डर यानी कि देना पड़ा है, तो हर चीज़ के गिर्द बॉर्डर है, टेबल के, हेडिंग के, और डेटा एलिमेंट्स के, सब के ऊपर बॉर्डर है। तो इसमें ये फिर बॉर्डर जो है वो डबलिंग हो जाती है, तो अच्छा नहीं लगता इस तरह। तो इसको फिर हम इस तरह फिक्स करते हैं कि इसमें कोलैप्स की प्रॉपर्टी है, बॉर्डर कोलैप्स पे इसमें कोलैप्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये फिर ये एक ही बॉर्डर बन जाता है। ये चीज़ इसके साथ सबके साथ इधर से जुड़ जाती है, तो इस तरह ज़्यादा रीजनेबल लगता है, अच्छा लगता है। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। अगर हम ये पैडिंग निकाल दें तो आप देखेंगे कि टेबल उतना अच्छा नहीं लग रहा। तो डिफरेंस आप देख रहे हैं, पैडिंग छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर इसको प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए तो इसका अच्छा असर है। तो आपको मैंने वैसे थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे मुझे देना चाहिए था, क्योंकि ये टेबल का टैग पहली दफ़ा आया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इनिशियली हमारा ये टेबल का टैग यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे
इसी तरह क्लोज का, ये सेंटिक्स आपको सब टैग्स में तकरीबन ऐसे ही मिलेगा। बाज सिंगल एलिमेंट होते हैं वहाँ पे, चले बी आर का जिस तरह टैग है उसमें और हिसाब है, लेकिन जनरली यही टैग स्टार्ट होता है, टैग क्लोज होता है, उसके अंदर उसकी बॉडी होती है, उसमें चाहे जो भी है, चाहे एक एलिमेंट है, डाटा है सिर्फ, या और टैग्स हैं पॉसिबल है। तो टी आर से मुराद है टेबल रो, और टी एच से मुराद है टेबल हेडर। इसमें ये वह है कि ये आपको बोल्ड में दिखाता है, और सेंटर लाइन भी इसको बाय डिफ़ॉल्ट करता है। तो यहाँ पे फिर ये जितनी रोज़ होंगी उतने आप ये टी आर के टैग इस्तेमाल करो, टी डी टेबल डाटा के लिए। इसको फिर हम आगे जाते हैं, पैडिंग हमने कर दी है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर लाइन इसको करता है। अगर आपको पसंद नहीं है किसी भी वजह से, या मुमकिन है आपके कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो आपको फिर इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। लाइन राइट भी कर सकते हैं, ये टेक्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी है, सेंटर लेफ्ट राइट कर सकते हैं आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो ये है कि आप चेक करें ख़ुद से चीज़ें इस तरह डिसेबल करके, जो चीज़ें आपको क्लियर हैं वो आप देखें। और यहाँ पे कोलैप्स उसको इस्तेमाल नहीं किया है, तो स्पेसिंग पैडिंग भी अगर मैं ख़त्म करता हूँ तो फिर ये बिल्कुल इनिशियल व्यू से फिर हमें समझने में आसानी होगी कि इनिशियली ऐसा आता है जो कितना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किसी वजह से आप ऐसे ही बॉर्डर रखना चाहते हैं तो सेल पैडिंग से ये है कि थोड़ा सा आपका ये चीज़ यहाँ से पैडिंग की वजह से फ़ायदा हुआ है। बाकी बॉर्डर स्पेसिंग 15 पिक्सल की है, तो ये फिर इसके और इसके दरमियान ये स्पेस आ गई है। अभी खैर ज़्यादा काम टेबल्स के अंदर नहीं होता है, पहले ये रो स्पैन कॉल स्पैन का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, क्योंकि पहले लोग लेआउट को भी टेबल के अंदर कंट्रोल करते थे। अगर आप सन 2000 या उसके बाद के कुछ सालों में अगर आप वेब पेजेस देखें तो आपको ये टेबल ही के ज़रिए पूरे पेज की लेआउट कंट्रोल की जाती थी, लेकिन अभी ये चीज़ तब्दील हो गई है। अभी आप CSS में ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल करते हैं, डिव्स लगाते हैं, उसके साथ चीज़ें मैनेज करते हैं। तो पहले लोग डिज़ाइन वेब पेज की लेआउट टेबल के अंदर किया करते थे। तो बहरहाल कभी ये होता है कि हेडिंग, जैसे यहाँ पे हमारा केस है, तो यहाँ पे इनकी ऊपर एक कॉलम बनता है और नीचे ये दो वैल्यूज़ हैं, तीन भी हो सकती हैं। तो इसको यहाँ पे फिर जब हमने ये रो दे रहे हैं तो ये तो पहले सेल के आ गया, और यहाँ पे उसको ख़ुद ही हमने मेंशन कर दिया कि ये दो कॉलम पे मोहित होगी, तो इसी इसने दो कॉलम्स कंज्यूम किए, नीचे हमने वैसे ही वैल्यूज़ देनी है। इसी तरह रोज पैन भी है, सिमिलर कंसेप्ट कि यहाँ पे अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया है ये दो रोज को कंज्यूम करेगा टेलीफोन, और बाकी वैल्यूज हमने वैसे ही मेंशन किए। बहरहाल अभी ये इनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन आपको अगर टेबुलर डाटा है तो टेबल्स फिर इस्तेमाल करने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप ज़िद में ही आ जाएं कि नहीं हमने तो डिव्स में ही करना है, नहीं,
जब टेबुलर डेटा है तो फिर उस टेबल इस्तेमाल करें, क्योंकि ये टैग इसीलिए बना है, ये पेज लेआउट को कंट्रोल करने के लिए नहीं बना था, लेकिन पहले ज़्यादा सीएसएस का इस्तेमाल नहीं था तो फिर लोग इसी से कंट्रोल करते थे, लेकिन अभी किसी जगह पे टेबल जाएँ तो फिर आप ये टेबल का टैग इस्तेमाल करें। कैप्शन टेबल के दी है और इसको गालबन चेंज भी इसकी लोकेशन कर सकते हैं गालबन। ये हम सीएसएस में पढ़ेंगे कि हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, क्लासेस बना के, आईडीज बना के एक टेबल को थोड़ा सा कलर दूसरा दे दिया बैकग्राउंड। तो जो कॉमन सीएसएस है वो सिर्फ टैग्स के ऊपर लगाई है, सिर्फ टैग के नाम लिखे हैं, तो जो स्पेसिफिक है वो फिर उसकी आईडी लिख के वहाँ पे लगा दिए हैं। तो ये इस तरह हम पढ़ेंगे सीएसएस में इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक खैर करे। अब इसको और ज़्यादा खूबसूरत कर दिया है, तो इसका हम देखते हैं कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे किया। ये जेनेरिक जो सीएसएस थी वो टैग्स के ऊपर लगाई, यानी ये दोनों के ऊपर अप्लाई हुई है। तो फिर जो नीचे लेवल की थी उसमें हम देखते हैं कि जो नीचे वाला टेबल है इसको आईडी इन्होंने T01 दिया है, तो यानी ये T01 पे अप्लाई होगी, ये भी T01, ये भी T01। तो इसमें टेबल रो को nth चाइल्ड इवन, और ये फिर उसके शूडो एलिमेंट है nth चाइल्ड ऑड। तो एक को कलर इन्होंने ग्रेश दे दिया और एक को वाइट दे दिया, जैसे यहाँ पर। लेकिन अब ये एक से ज़्यादा रोज़ होती हैं तो और ज़्यादा बेहतर पता लगता है, इसमें ऐसे करते हैं कि हम रोज़ और ज़्यादा कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं, तो ये बेसिकली ये चीज़ यहाँ से कंट्रोल हो रही है। तो इसमें अच्छा ये है कि आप चीज़ें खुद से डिसेबल करके देखें। सही हो गया, और बाय डिफ़ॉल्ट वो वाइट ही होता है। तो इसको स्किप भी कर सकते थे मेरे ख्याल से, अगर आई एम नॉट रॉन्ग जी, इसको स्किप भी कर सकते, लेकिन बहरहाल अगर इसकी जगह ये थोड़ा सा कोई ग्रेश होता, शायद ये कोई ग्रेश टाइप नहीं, ये तो कुछ और ही हो गया, लेकिन ठीक है। बहरहाल अगर आपने अलग से देना होता तो फिर यहाँ पे दे देते। और टेबल हेडर को बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया है और टेक्स्ट कलर वाइट किया है, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल ये चीज़ें नहीं है, इसको आप एक्सप्लोर करें वन बाई वन। अगर आप सीख रहे हैं इस तरह, पहली दफ़ा आपको सामना करना पड़ता है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप सीएसएस पहले इसको कमेंट करें वन बाई वन, एक एक चीज़ खोलें, जैसे यहाँ से यहाँ तक कमेंट कर दें। सही, मैं आपको बता भी देता हूँ। तो ये हमें पता लगा कि इन्होंने टेबल को विड्थ 100 की है, या इसको भी हम यहाँ से स्टार्ट करें तो और बेहतर पता लगता है। ठीक है, वेट किया, बल्कि इसको भी ख़त्म करें। सही है, तो ये तरीका है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक एक चीज़ इसकी खोलें और फिर आप नोट करें कि क्या चीज़ हो रही है। ये टेबल, टेबल हेडिंग, टेबल डाटा, सबको बॉर्डर दिया है, कोलैप्स कोलैप्स कर दिया, बॉर्डर कोलैप्स, तो इससे ये और अच्छा हो गया। फिर इसको कमेंट यहाँ पे कर देते हैं, पैडिंग और टेक्स्ट लाइन लेफ्ट किया है टेबल हेडर और टेबल डाटा को। टेक्स्ट लाइन वैसे तो मेरे ख्याल है लेफ्ट ही होता है गलबन, नहीं, लेकिन यह कि टेबल हेडर्स बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर लाइन होते हैं, तो
यहाँ पे बहरहाल उन्होंने दोनों ये पैडिंग भी देनी थी, तो वो फिर दोनों के ऊपर ही लगा दी है। फिर यहाँ पे आ जाएं और एक पे कलर आ जाएगा, और ये भी फिर हम दूसरे पे पहुँचेंगे तो दूसरा रेडिश टाइप का कोई कलर है, नहीं रेड भी नहीं है, कोई और ही कलर है। फिर आखिर में इसको भी चेक कर लिया। तो इस तरह फिर आपका लर्निंग प्रोसेस होगा। देखिए ये चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं, तो मेरे साथ यहाँ पे ये सेशन ज्वाइन करने से यही फ़ायदा है कि मैं आपको कुछ टिप्स दे सकता हूँ, आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ, या मुझे जो चीज़ें पता हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, या जैसे मैं काम करता हूँ, तो आपको फ़ायदा इस तरह पहुँच सकता है। इसको हम क्लोज़ करते हैं। चैप्टर समरी में टेबल्स हमने देखे हैं, टेबल रो, टेबल डाटा, टेबल हेडिंग, और इनके अपने डिफ़ॉल्ट स्टाइल होता है वो भी हमने देखा है। कैप्शन दे सकते हैं, और कैप्शन को गलबन नीचे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इसको मैं ट्राई नहीं कर सका। अगर यहाँ पे, और मुझे याद भी नहीं है ये कैसे हो सकता है, इसमें मैं देखता हूँ अगर कोई ऐसी ऑप्शन है। गलत था, पहले इसको दोबारा से पढ़ता हूँ मैं। इसकी डिस्क्रिप्शन, टैग डिफाइंस टेबल कैप्शन मस्ट बी इंसर्टेड इमीडिएटली आफ्टर टेबल टैग, बट हर टेबल सेंटर लाइन अबव इट, हाउ एवर सी एस एस टेक्स लाइन कैप्शन साइट कैन बी यूज्ड। तो सी एस एस में हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल 1, दूसरे टेबल को मेरे ख्याल है मैं क्लोज यहाँ से हटा ही दूँ, क्योंकि अभी हम एक चीज़ पे फोकस करना चाह रहे हैं। और ये वाला स्टाइल, इसका भी मैं हटा देता हूँ। तो बहरहाल कैप्शन साइड बॉटम करने से चेंज कर सकते हैं। मेरा अंदाज़ा ठीक हो गया, पहले गलत लग रहा था क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ इससे रिलेटेड चीज़ नज़र नहीं आई। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें आपको पता होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पता होती। ये मेरे जहन में था कि शायद इसमें इस तरह की ऑप्शन है। यहाँ पे भी इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। टेस्ट योर सेल्फ, एड ए टेबल रो विथ टू टेबल हेडर्स। तो टी आर कॉपी मैंने कर लिया, और स्लैश टी आर, और यहाँ पे टी डी टी एच हो गया टेबल हेडर, और नेम स्लैश, और इसको क्लोज कर दिया। इसको मैं कॉपी करता हूँ, तो आपने देखा होगा मैं अक्सर चीज़ों को कॉपी पेस्ट करता हूँ। टाइपिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी मेमोराइज हो जाती हैं चीज़ें। तो इसमें कुछ गलती है, इसको दोबारा से पढ़ते हैं। एड ए टेबल रो विथ टू टेबल हेडर्स, द टू टेबल हेडर्स शुड हैव अ वैल्यू नेम एंड एज। तो गलबन हमने नहीं, कुछ गलती हुई थी इसीलिए। तो कॉपी पेस्ट करने में ये फायदा है कि आपसे गलती होने का चांस कम है। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, हमने इधर लिंक्स किए हैं, इमेजेस किए हैं, टेबल किए हैं, फिर थोड़ा से और हम कुछ चीज़ कर लेते हैं।
फिर हम इसका पीछा छोड़ेंगे। थोड़ा सा तो नहीं है, तो ज़्यादा ही है, तो इसको फिर हम ये केस स्किप करते हैं। और ये मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ कि ये हमने क्या चीज़ की थी लास्ट टाइम। और ये मैं इस वीडियो को जब अपलोड करूँगा तो उसकी डिस्क्रिप्शन में भी ये लिख दूँगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तो मुझे भी अंदाज़ा हो रहा है कि क्या चीज़। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि ये हम डिस्क्रिप्शन में नोट करें, क्योंकि वैसे अभी मुझे देखना था कि लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था, तो मुझे वीडियो प्ले करके देखना पड़ा है। तो अभी ये डिस्क्रिप्शन में ही होंगी तो अंदाज़ा हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक हमने किया है। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। सेकंड सेशन हमारा नहीं हो सका क्योंकि किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया। तो इसमें हमारा सेशन होता है क्वेश्चन आंसर्स का, तो मकसद उसका यही है कि प्रॉब्लम्स आप लेके आए और मैं कोशिश करूँगा कि जो मुझे चीज़ें पता हैं उसको फिक्स करने की। क्योंकि होता ही है कि जो भी नया बंदा सीखना शुरू करता है तो वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। तो मुझे अभी जाना पड़ेगा और मैं फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, और फिर हम दूसरे जो दूसरा हमारा है वो तो है नहीं है, फिर हम तीसरे सेगमेंट पे चले जाएंगे जिसमें हम कोई नई चीज़ सीखेंगे। तो इस दफ़ा हम डॉकर्स जो है टेक्नोलॉजी उसके बारे में थोड़ा देखेंगे, क्योंकि मैं भी रिसेंटली उसके ऊपर देख रहा था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा।